देखो दिल छोटा मत करो। एक लंबे चौड़े महापुरुष ने ज्ञान दिया था कि रोते हुए आते हैं हम, हंसता हुआ तो जाएगा। हंसने वाले को तो लोग पागल समझेंगे, लेकिन रोने वाले का लोग फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैं कंधा बन के फायदा उठाने के लिए आया हूँ, मतलब सहारा देने आया हूँ। देखो जब एक सेल में हम ऑफर मिस करते हैं तो अगली सेल में 10 नई चीज ऑफर में मिलती हैं। या कभी हमें कोई गलत प्रोडक्ट मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे रिटर्न कर देते हैं और उससे अच्छा प्रोडक्ट रीऑर्डर करते हैं। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, रिटर्न पॉलिसी अभी चल रही है, इसलिए पुराने वाले को छोड़ो और कुछ नया देखो, कुछ ऐसा जिसके फीचर्स में ये सब हो, जैसे कि हाल ही में दारू पीना छोड़ना, स्टेज पे जबरदस्त गाना गाना, और जिसका नाम हो सेंसेशनल पेरिस जयराज। प्यार के साथ शादी और हनीमून मुफ्त मुफ्त मुफ्त। वो बढ़ोगे यार। ये इसकी क्या हालत हो गई? वेंकट, मैं तुम्हें इतनी बुरी हालत में नहीं देख सकता बेटा। और ये तुमने यहाँ पाउडर की लकीरें क्यों बना रखी हैं? हाँ बॉस, मुझे सब समझ में आ गया बॉस। आपसे इनकी हालत नहीं देखी जा रही है ना, और ये किसी से बात नहीं करना चाहते, इसीलिए आपके लिए पाउडर से लाइन बनाकर बार कोड के जरिए बात कर रहे हैं। अच्छा? इन लाइनों को बनाकर शायद ये थक गए हैं। अब फोन से स्कैन कर देखिए तो ये क्या कहना चाहते हैं। चुप हो जा तू। बेटा क्या है ये सब, क्या है ये? पापा, कोकेन है ये। बस इतने ही बची थी मेरे पास, सारी बर्बाद कर दी। इसके बिना मैं रह नहीं सकता, पागल हो जाऊंगा मैं। अकल नहीं है क्या? चले जाओ यहाँ से, जाओ। जाता हूँ। मेरे बेटे की हालत ऐसी कैसी हो गई है? ये इस हालत में क्यों है यहाँ पे? क्या हुआ है मेरे बच्चे को? इसकी हालत ऐसी क्यों है? फिक्र मत करो पाए, मैं हूँ ना इसे संभालने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलो। बेटा कल तक तो तुम शाहरुख थे, आज अचानक कबीर सिंह कैसे बन गए? बॉस, इनकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया आप इनके बाप हैं, इसीलिए इनको छोड़कर चली गई। अरे बकवास बंद कर, इसे हॉस्पिटल लेकर चल। बॉस। तूने जो फोन करके बुलाया कुछ सूझ ना पाया, खींचा चला आया। नादान परिंदा बन के उड़ा, तेरा मुझसे आखिर रिश्ता जुड़ा। पर मेरा मूड अब भी खराब ही है। तो चलो बीच चलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। सुनो ना, मुझे भी बीच ही जाना था। तो जू बीच चले, अक्सा बीच जाए, या फिर गुराई बीच चलना? नहीं नहीं, राजौड़ी बीच चलते हैं। तो आओ बैठो चिपक के। बेटा ये तुम्हें क्या हुआ है? एक्चुअली मुझे स्किन प्रॉब्लम है, तो क्या आप मेरे रूम में आकर चेक कर सकते हैं प्लीज? कहाँ जा रहे हो? हा? देखो तुमने मुझे गलत समझा, आई एम अ डॉक्टर और आप मेरी पेशेंट हैं। आपने कहा आपको स्किन प्रॉब्लम है, सोइकेमिया, मेरी गर्लफ्रेंड है। और स्किन इश्यू के लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, रोज ये क्रीम लगाइए, यू विल बी ऑल राइट। ओके, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। मैं वहां बस ट्रीटमेंट के लिए गया था। हाँ? उसने हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसको देखकर मेरा ब्रेकअप हो गया। hey! तेरी खैर नहीं। चलो कौन है, कौन है वो? एडवोकेट है। ऐसा क्यों किया उसने? सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। आपके लड़के और उस लड़की के बीच छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसका फायदा उठाकर उस वकील के बेटे ने उस लड़की को आराम से सेट कर लिया। उस वकील ने आपके बेटे को लव स्टोरी में विलन बनाकर अपने बेटे को इसमें हीरो बना दिया। हिम्मत कैसे हुई उसकी? ये सब तूने मुझे पहले तो नहीं बताया। बोल, 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 बस रुके, पहले कहता तो आप और मारते। मार तो तू अभी, इसलिए तो मैं नहीं बताता आपको। लेकिन मैंने अपने भाई को कुछ गुंडों के साथ उसे पीटने भेजा है। भाई इनको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो बैठा है ना, उसको संतरे की तरह निचोड़ देंगे। बस आगे देख। फोन बज रहा है आपका। ए बॉस का फोन है। हाँ बॉस बोलो ना। कहाँ हो तुम लोग?
वो हीरो के ऊपर नजर टिका के बैठे हम। वो क्या कर रहा है? टकाटक होटल में बैठे है, साथ में एक लड़की भी है बॉस। जूस का ऑर्डर दिए है लेकिन अभी तक आया नहीं। तुम सब क्या कर रहे हो? हमने भी जूस का ऑर्डर दे डाला है बॉस, 20 मीटर दूर से देख रहे हैं। लेकिन एक बात है बॉस, यहाँ का सर्विस लोचा है। लड़ाई हुई कि नहीं? अरे इन वेटर लोगों से कितना लड़े, सिर्फ एक जूस के ऑर्डर के लिए वेटर बोल के आधा पौना घंटा लगेगा। हम लोग बहुत थकेले और प्यासे। बॉस मैनेजर को धमकी वमकी दो ना, अपना ऑर्डर पहुँचाओ ना। मुझे दीजिए। मैंने तुझे वहाँ उसका भरता बनाने भेजा था, लेकिन तेरी वजह से यहाँ मेरा भरता बन रहा है। हे मुझे, ए, वहाँ आ गया तो कुछ तुम्हें जा, तोड़ो उसे। हाँ हाँ बॉस। अरे बॉस एक मिनट, जूस आ गया, वेस्ट ना हो जाए, पी के कुचल डालेंगे उसको। अरे तो मुझे दीजिए। हे प्यासे कछुए, क्या टाइम पास कर रहा है उधर? जाके उसे पंचर कर, नहीं तो यहाँ मेरा टायर फट जाएगा। इसको पार्सल कर, चलो। क्या लगता है क्या ऑर्डर किया होगा? इसीलिए मैंने छोड़ दिया। सॉरी ब्रो। चलता है ब्रो। ए, बोलता है चलता है। आ जाओ, इसके जूते को मसल कर चटनी बना दो। वो सब तुम्हें जानबूझकर परेशान करके गए। तुम कैसे आदमी हो यार, गुस्सा वुस्सा नहीं आता क्या? अरे तो छोटी सी तो बात है, जूते को कुचला मेरे पैर को थोड़ी, इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा क्यों करूं? बिल्कुल गुस्सा नहीं आता तुम्हें। ए, अरे दिव्या, अरे दिव्या। घर वाले बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दे बेटा, और अब तुझे देख, मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के खींच। छोड़ो मुझे। अब तुझे मारू नहीं तो और क्या करूँ? मारेगा। अरे देखो, वाह 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 वाह, सूखेले समोसे, एक हाथ पड़ा ना तो। चल बेटा, मम्मी बुला रही है भुटले। तूने मेरे ही ऊपर हाथ उठा दिया, अब आएंगे मेरे छोकरे और पड़ेंगी तुझे ठोकरे। चल बे, छोकरे लेकर आएगा। ए, लड़की को सुमड़ी में उठा के अड्डे पे लेके आ जा, तब तक मैं यहीं से देखता हूँ। हाँ आजा आजा। अभी तक लेकर नहीं गया? चल 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 चल। तुमने अकेले ही पांचों को मार दिया, how is it possible? I am super folding, that's why. Wow. अरे वाह, देरी हो भाव। आराम से, आराम से। बॉस लगता है काम हो गया। बॉस, चार्ली का फोन है। खल्लास कर दिया होगा, आशीर्वाद दो। हेलो बॉस, प्लान फेल हो गया, मैंने आपको पहले ही बोला था ना। जूस पीने तो अपन फोड़ डालेंगे, देखा क्या हुआ? गम्मो, शर्म नहीं आती भाई कहते हुए, गंदे नाले में डूब मरो। नाले का क्या है, अपना तो रोज का है, पीने का पैसा दो ना। पकड़। लगता है बॉस का बैलेंस खत्म हो गया है। देखा, इसलिए तो कहता हूँ एडवांस लेना चाहिए। ऐसा क्या? हाँ 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 भैया, चलो पी के सोचते हैं। चलो चलते हैं। काम हो गया ना? क्या कहा? रुके रुके बॉस, हर वक्त मुझे बेवजह मारते रहते हैं, मुझे मार के आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, बेवजह अपना बीपी बढ़ाते रहते हैं, आपके सारे प्लान सड़े हुए होते हैं। अभी जरा दिमाग ठंडा रखिए, एक दो पेग लगाइए और आराम से प्लान सोचिए, फिर जो करना है वो करिए। देखिए थोड़ा ये पैसे का दारू था बॉस। आजा। हाँ आ रहा हूँ। पायल से ऐसा न करने का वादा किया, पर अब लगता है मुझे वो वादा तोड़ना पड़ेगा। पायल जी, चाबी दो। पूरे 25 साल बाद मैं इसे स्टार्ट करूंगा। बॉस 25 सालों से ये लॉरी यहाँ भंगार बन के खड़ी थी, ये स्टार्ट होगी क्या? होएंगी ना स्टार्ट,
पे चला जा। छोड़ूंगा नहीं उसे। स्टार्ट हो गई? ए, हाँ? वो एडवोकेट कहाँ मिलेगा? वो लाल वाली गाड़ी में अभी निकला है घर से। चलिए उस एडवोकेट को अभी ठोकते हैं। हाँ? अपनी भी ट्रक लाल है। बचेगा नहीं वो। I too love you. हाँ? Hello. मैंने तो तुमसे कुछ नहीं बोला। क्या नहीं बोला तुमने? I love you जैसा कुछ। अरे ये लो बोल दिया तुमने। चक्कर तो नहीं आ रहा इसको? वाह बड़ी भोली बनने का नाटक कर रही हो तुम। लड़ाई के बाद तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मैंने तुम्हारे कंधे पर रखा, तो ये टच्चा टच्ची क्या थी? तुम तो फाइट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे ना, तो ये सब कब नोटिस किया तुमने? मैं लोगों की तरह प्यार में अंधा नहीं चौकन्ना ही रहता हूँ। ये आइडिया मेरे बापू ने दिया है, पर कोई बात नहीं, तुम वक्त बर्बाद करती रहो। कोई है कुंवारी जो मुझ पे जाए वारी 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 वारी। चले सफारी, क्या बोलते हो? तुम्हें देख के लगता नहीं ना क्या आई हो। जयराज क्या कर रहे हो? मेरे पापा ने भी मुझे ऐसा ही कुछ कहा है। हाँ? आई लव यू, आई हग यू। राइट लीजिए बॉस, राइट राइट राइट। लेकिन क्यों? तो सामने वाली गाड़ी उस वकील की है, मेरे खबरी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। भगाओ गाड़ी, छोड़ना नहीं उसे बॉस। रास्ता इतना खराब है कि जाम बिन पिए छलक रहा है बॉस। बॉस सुनिए ना। क्या हुआ? वाहन की गति कम कीजिए। किस लिए? मुझे पेग पीना है बॉस। ए, कोई मरने वाला है और तुझे पीने की पड़ी है? लाल गाड़ी कहाँ गई? क्या बात, वो आपकी पत्नी थोड़ी है जो हर चीज बताते चलेगी। मेरे को भी नहीं पता, आप तेज चलाइए और पीछा कीजिए। ज़बान बहुत तेज है तेरी। रुक बताता हूँ तुझे। बोलिए पापा जी। हाँ हेलो, देवदास कहाँ है बे? देवदास कौन और कौन? भाई ने लड़की को पटा लिया, दोनों चौपाटी गए हैं और एक नारियल में दो पाइप डाल के पी रहे हैं। है? क्या लड़की पटा ली? पापा जी जितने आप भोले हो ना उतने हो नहीं, बहुत चालू हो। क्या किया मैंने? कोई नहीं, पार्टी वार्टी नहीं चाहिए? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। ए, तूने आज मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, मैं तेरे लिए विलायती शराब लाऊंगा। महंगी वाली लाना। ठीक है फोन रख, गाड़ी चला रहा हूँ। आज तेरी खैर नहीं, हॉर्न पे ये थैली क्यों? हम इतनी ऊंचाई पर कैसे हैं? अरे बाप रे, ये क्या कर डाला? अच्छी खासी सड़क पर ट्रक उड़ा के इसे खंडाला बना डाला। अरे मेरा पैर फंस गया इसीलिए, ब्रेक नहीं लगा और गाड़ी उड़ गई। अच्छा बॉस। कौन है ये खटारा ट्रक से विली कर रहा है? हेलो। अरे बाप रे बाप, बॉस वो तो पुलिस को फोन कर रहा है, लगता है उसे सब पता चल गया, क्या उसे भागना होगा? अरे निकाल इसे। अरे निकाल इसे। बॉस अपना दिमाग घर पे छोड़ के आए हो या बेच कर आए हो? एक तो ट्रक को पेड़ पे चढ़ा दिया, ऊपर से कह रहे हो इसे धक्का देके मैं बाहर निकालूं? मैं अपना पैर निकालने के लिए कह रहा हूँ। हर जगह टांग अड़ाओगे तो ऐसा ही होगा बॉस। चलो जल्दी से यहाँ से कूदते हैं, नहीं तो पुलिस आई तो कुदा कुदा के मारेगी।